वालेकुम, क्या ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। और आप क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। मुझे छुट्टियाँ। हाँ जी, छुट्टियाँ हो गई तो अब यही काम है ना? तो पापा कहते हैं ना कि लेट के ना मोबाइल देखा करो। काम कोई नहीं आपको? सीधा हो जाए मेरा बच्चा, सीधा होके बैठ जाओ। क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, सीधा। हाँ शाबाश, बड़ा अच्छा बच्चा। ऐसे नजर कमजोर हो जाती है, ऐसे नहीं होता। तो बेहतर यही है कि बंदा बैठ के मोबाइल देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है, खुशबाश है। और आप बहन भाइयों की गाँव से खुशबाश है, ठीक ठाक। सुबह सुबह का टाइम है जी, बखेरा काफी पड़ा हुआ है। और सुबह तो नहीं है, खैर 9 बज गए, 9:15 हो गए हैं। लेकिन आजकल छुट्टियों में सुबह सुबह होती इतने बजे है ना। एक तो वैसे अदर के कारी साहब भी चले गए हैं, तो जब ये मस्जिद गया होता है ये, तो फिर जब वापस आता है तो आके सबको जगा देता है। नमाज पढ़ के खुद सो गया था ना उस वक्त, हम लोगों ने फिर इसे सोने दिया कि चलो जब घर में ही इस्तिफारा पढ़ना है तो फिर बाद में पढ़ लेगा, चलो सब सोए हैं तो ये भी सो जाए। तो और जी सब बहन भाई ठीक ठाक हैं। तो अभी मैं खत्मा करेगी जी सफाई, और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और डॉक्टर साहब के काम तो आपको पता कि शुरू ही रहते हैं, देखते हैं कि आज दिन में आपको क्या कारागरी दिखाते हैं। ये ना पापा के साथ मिलके तो ये चारपाई मेरे ख्याल से यहाँ से उठा लेते हैं। अच्छा। और यहाँ ना चटाई बिछाते हैं। अच्छा। क्योंकि फिर मसला आता है, बच्चे को चीज़ गिरा देते हैं। हैदरी उठाओ, इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ी कर देना, फिर बाद में बिछा देंगे। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे कहा था ना कि देखते हैं आज दिन में इकबाल साहब अपनी क्या कारीगरियाँ दिखाते हैं। तो आप देख लें जी, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब इनको कोई काम मिला नहीं होता। तो ये क्या है जनाब, आप खुद ही बता दें। ये ताला है, इसकी चाबी अंदर टूट गई है, तो ये ताला जो है ना, इसलिए मैंने फिर सोचा कि इसको निकाल लें। ये मस्जिद का ताला जी? हाँ ये मस्जिद का ताला है। तो ताला बेहतरीन है, बहुत अच्छा ताला, नया ताला था। तो बस किसी वजह से ऊपर से इसका ना ये गोल जो घुमाने वाला लगा होता है ना, पकड़ने के लिए जो हाथ से पकड़ के तो घुमाते हैं, वो टूट गया, तो चाबी भी अंदर फंस गई है। अब इसको निकालना है हमने, इंशाल्लाह फिर निकाल के फिर दिखाते हैं। ताले तोड़ने आते हैं? नहीं, ताला तोड़ना नहीं आता, ताला सही करना आता है। अच्छा, मैं आके जी ताले तोड़ने आते फिर तो तुसी बंदे काम दे हो जी। ये तो गर्म बड़ा है, पोना ले ले। आज ही बारिश तो क्या, आज तूफान आया हमारे पास। बारिश से भी बड़ी ज्यादा आई है, लेकिन बारिश से पहले जो तूफान आया ना, उसका तो बस आज कुछ बता ही नहीं सकते ना हम। अल्लाह ताला माफी दे जी, इस सीजन का सबसे ज्यादा बड़ा तूफान था, बड़ी आंधी थी, और उसने बड़ी तबाही भी मचाई। और वो सारी तबाही जो हमारे साथ जो सीन हुआ वो तो हमने अपने दूसरे चैनल पर शेयर किया है। तो अभी हम बना रहे थे खाना, तो हमारे जो इस चैनल के बहन भाई हैं वो भी कमेंट करते रहते हैं कि प्लीज वीडियो डालो। तो हमने कहा कि तेरे आज आपसे हम अपनी आज की रूटीन शेयर करते हैं कि ये भी सीन पहले दफा ही आपने देखा होगा। असल में किचन की छत भी टपकने लग गई, तो वहां पे भी कुकिंग करना मुश्किल हो गया, और शेर में इतनी बारिश थी कि यहाँ बैठना भी मुश्किल था। और तो इसीलिए हम मिलजुल के हांडी बना रहे हैं आज। हांडी मैं बना रहा हूँ, बेगम रोटी बना रहे हैं। हांडी भी बना रहे थे घर में, भी चमचा हमारा जनाब। अभी यहाँ लेके आओ जी, क्या बना रहे हैं? कोफ्ते। कोफ्ते? हाँ वाह भाई, ना ये मिर्चे टूट जाए। बड़ी नई रेसिपी है जी। आज जी हमें सब्जी नहीं मिली, बारिश की वजह से बाहर दूर जा ही नहीं सके, तो जो मोहल्ले की दुकान से मिला ना, हरी मिर्चे प्याज वगैरह, तो उसी से हम गुजारा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बड़ी देर के बाद ना इस तरह हाथ से रोटियां बना रही हूँ, वरना जब से शादी हुई है ना तो तब से मैं बेलन से ही बनाती होती हूँ, तो कुछ आड़ी टेढ़ी बन रही है, इतनी अच्छी नहीं बन रही, मगर यह की चले गुजारा हो गया। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इतनी देखें इतनी प्यारी तो रोटी बन गई है, बेहतरीन रोटी माशाल्लाह। इतनी सारी कटोरियों में जी डॉक्टर साहब ने खाना खाया है। ये देख लें, कोई आया दूसरा बंदा इधर? सारे खा के उठ गए हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आज मौसम ने तो बड़ा एक दफ़ा परेशान कर दिया था, लेकिन अल्लाह पाक का एहसान है कि अभी इस वक्त सुकून हो गया है, अब खुशगवार हो गया, बादल गरज भी नहीं रहे हैं, चमक भी नहीं रहे हैं, और ठंड भी हो गई। लेकिन एक नुकसान हो गया कि बिजली हो गई है बंद, और हमारा पता नहीं रहा था ये सुबह ही आए, सुबह ही आए। तो जो वापडा वाली लाइन में ना, वो
सुबह ही ड्यूटी जाएंगे। अगर जितना तूफान था मैं के पापा यकीनन कोई ना कोई तारे तुरे खंभा गिर गया, खंभे भी गिर सकते हैं जी, पाकिस्तान के खंभे भी ऐसे ही होते हैं। तो शुक्र है अल्लाह पाक का जी, खाना भी खा लिया, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। तो अभी जी डॉक्टर साहब खाने की दुआ मांग रहे हैं, तो इसके साथ ही बहन भाइयों से फिर लेते हैं इजाज़त। तो आप सब ने जी हमारे नए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दुआ में भी ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज़।